अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर की कंपनीज के बारे में। तो जो मेजर कंपनीज हैं सीमेंट सेक्टर की, हम उनको डिस्कस करेंगे ज्यादातर, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो इस वीडियो को आप जो है वो आराम से देख सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लक्की सीमेंट के बारे में कि लक्की सीमेंट की टेक्निकल परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है और आने वाले वीक के अंदर लकी सीमेंट जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम देख रहे हैं लकी सीमेंट की परफॉर्मेंस को। लकी ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रैली जो है वो फॉर्म की है, और वो आउटस्टैंडिंग रैली जो है वो यहाँ पे आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद स्टार्ट हुई थी, जो कि एक काफी सक्सेसफुल रैली जो है वो रही लकी सीमेंट के लिए। अगर कंसोलिडेशन फेज देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज था जिसके बाद लकी ने जो है अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट की थी। सो हम यहाँ पे मार्क करते हैं एंड देन उसको ग्रेजुअली एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो लकी ने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद लकी ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद लकी ने जो अपनी परफॉर्मेंस यहाँ से स्टार्ट किया, और एक कंसिस्टेंट रैली और बहुत ही कोई कह लें कि अमेजिंग, ठीक है। तकरीबन 476 के लेवल से उठ के लकी जो अपना हाई फॉर्म कर चुका है, वो है 616.90 का हाई लकी फॉर्म कर गया है। लेकिन अब यहाँ पे आके रैली जो है वो थोड़ी सी हॉल्ट हो रही है, जो बाइंग प्रेशर था वो थोड़ा सा जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए लकी के अंदर बाइंग करने से पहले। अब ये जो कैंडल, लास्ट जो कैंडल बनी है, इसको थोड़ा जूम करके बताऊंगा। दिस कैंडल इज टेक्निकली कॉल्ड अ इनडिसिसिव कैंडल, दैट मींस के बायर एंड सेलर्स बोथ आर फाइटिंग टुगेदर टू सेट द डायरेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहता है। और क्योंकि लकी इतना ज्यादा ऊपर आ चुका है, ऊपर पे इस तरह की कैंडल बनना, लॉन्ग लेग डॉजीज बनना, ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है लॉन्ग पोजीशंस के लिए। तो बाइंग सेलिंग करना इस टाइम पे या प्रॉफिट टेकिंग करना, इट्स वाइज ऑप्शन इन लकी सीमेंट, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अब लकी को देखना यह है कि नेक्स्ट डे लकी जो है अगर अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है 616.90 का, अगर हाई ब्रेक नहीं कर पाता तो नीचे जाने के चांसेस जो हैं वो लकी के काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो और अगर क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे पे आ जाती है, लाइक 592 से नीचे पे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि लकी जो और करेक्शन लेगा, तकरीबन 560-565 के एरिया तक वापस से लकी जो है आ सकता है। इसी तरह लकी के अंदर अगर हम RSI और वॉल्यूम की बात करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, और मैं आपको दिखा भी दूं कि यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लकी के अंदर जो है वो बेयरिश डाइवर्जेंस जो है वो बनी है। तो अगर हम ये देखें तो ये देखें यहाँ पे, और इसी लाइन को अगर हम ऊपर प्राइस पे ड्रॉ करें तो ये, सो दिस इज कॉल्ड अ बेयरिश RSI डाइवर्जेंस, जो कि इंडिकेट करती है कि मोमेंटम जो है वो वीक हो गया। लकी ने अपना हाई तो बनाया बट RSI ने न्यू हाई नहीं बनाया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में जो जंप है वो काफी ज्यादा है, जबकि मोमेंटम के अंदर इतना ज्यादा जंप नहीं आया है, जिसकी वजह से पॉसिबल चांसेस हैं कि लकी के अंदर करेक्शन जो है वो आ सकती है। सो लॉन्ग पोजीशन वाले थोड़ा सा एहतियात के साथ रहें, और साथ में SMI इंडिकेटर जो कि अगेन मोमेंटम इंडिकेटर है, अगर इसको भी देखें तो इसने भी अपना न्यू हाई नहीं बनाया जबकि लकी अपना हाई बना चुका है। तो यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न अराइज होता है और क्वेश्चन मार्क आता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो दैट मीन्स के जो बाइंग प्रेशर था वो बहुत ज्यादा नहीं है और खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा रैली बना ली, अब लोग जो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो मेजर सपोर्ट इज 582 यहाँ पे लकी के लिए, जो लकी अगर वापस रिवर्ट होता है तो 582 वुड बी द मेजर सपोर्ट एरिया ऑन डेली टाइम फ्रेम, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 581-582 का एरिया, ठीक है। तो ये माइंड में रहेगा, अगर इसके पास आता है तो यू कैन रीबाय एंड होल्ड जब तक ये इससे ऊपर ऊपर पे ट्रेड होता है। अगर इससे नीचे पे जाएगा तो फिर अग्रेसिव सेलिंग की वजह से और ज्यादा इसको नीचे की तरफ पुश किया जाएगा। लेकिन करंट जो प्राइस है और जो इसकी अर्निंग्स है उसकी बेसिस के ऊपर ये जस्टिफाइबल नहीं है, करंट अर्निंग्स के ऊपर इसका पी रेशियो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर कंपनी विच इज डीजी खान सीमेंट। तो डीजी खान सीमेंट को भी हम टेक्निकली एवेल्युएट करते हैं कि डीजी खान सीमेंट कैसा रहा है। तो डीजी खान सीमेंट भी अपने एक अप ट्रेंड चैनल के अंदर चल रहा था, और उसका जो अप ट्रेंड चैनल था उसके अंदर मल्टीपल चीजें हमने देखी हैं। एक तो ये कि यहाँ पे डबल टॉप को इसने ब्रेक किया था, तो ये वाला एरिया इसका डबल टॉप का ये इसने ब्रेक करके और ऊपर की तरफ जो वो क्लोजिंग दी थी,
तो उसके बाद ये और ज्यादा चलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसने जो है एक शॉर्ट ट्रेंड भी बनाया अपना, कंसोलिडेशन भी करी थी यहाँ पे। अगर इस एरिया में देखें हम तो, विच इज अ गुड साइन कि कंसोलिडेशन करने के बाद इसने डबल टॉप बना के नीचे आया, पे कंसोलिडेशन फेज में गया और उसके बाद इसने अपवर्ड रैली स्टार्ट किए। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी जो बाइंग प्रेशर है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और ये आप ऊपर की साइड पे जो है वो जा सकता है, पोटेंशियल रखता है। अच्छा, यहाँ पे इसके मल्टीपल चैनल, दिस इज दी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है। और यहाँ पे एक और चीज मैं बनाना चाहूंगा जो कि यहां से मैं लेके इस तरह से, तो अगर हम इस चीज को देखें तो ये ऑलमोस्ट अपना जो है वो टॉप बना चुका है। ये अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि इसने अटेम्प्ट की थी ब्रेकआउट की बट ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस वाले एरिया को जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन, और उसके साथ साथ जो है वो ये वाला एरिया जहाँ पे इसने जो है लास्ट टाइम अपना हाई बनाया था। उसके बाद अभी ये अपना न्यू हाई बना चुका है ऑलमोस्ट इस रीसेंट टाइम के अंदर। तो यहाँ से ये थोड़ी बहुत करेक्शन लेगा, और अगर ये करेक्शन लेता है तो ये वाला जो एरिया है तकरीबन 101 का और 100 से ऊपर वाला एरिया जो है काफी सपोर्टिव नजर आता है। तो अगर ये सस्टेन करता है 100 रुपए से ऊपर पे, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है एंड होल्ड किया जा सकता है फॉर अपसाइड, अनदर अपसाइड ऑफ 110 111। तो जिस तरह से बुल रन जो है वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, बट मेजर सपोर्ट एरिया जो है वो ये ट्रेंड लाइन है जिसको मैं अभी बोल्ड करने जा रहा हूँ। तो ये आपको और बेहतर तरीके से दिख जाएगी कि ये जो लाइन है ये इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि जो अभी रिसेंट ऑन गोइंग इसका ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड का सपोर्ट लाइन है, तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये 97-98 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर जो है वो ज्यादा डाउन साइड जो है आपको देखने को मिलेगी, वो ये वापस से 90 और 88-89 के एरिया तक जो है स्ट्रेच हो सकता है, मीन्स के नीचे की तरफ आ सकता है, तो इस पे ध्यान रखा जाए। आपको जो है बाइंग लेवल भी बता दिए हैं ऑलमोस्ट कि एक्सपेक्टेड अपसाइड डाउन साइड जो है वो क्या बनती है। अब चलते हैं हम हमारी दूसरी कंपनी की तरफ जो कि है PIOC, पाइनियर सीमेंट। पाइनियर सीमेंट के अंदर जो है वो गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप के बाद ही उसने जो है एक बिग रेड कैंडल बनाई है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली ये वाली कैंडल, तो ये एक साइन दे रहा है यहाँ से कि टेम्परेरी प्रेशर आ सकता है, लेकिन ये प्रेशर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा जब स्टॉक अगर नीचे आता है। तो ये वाला मेजर सपोर्ट एरिया 85 का, सो 85 के पास अगर आता है तो वहां पे रीबाय करने की अपॉर्चुनिटी बन पाएगी अगर वहां पे सस्टेन कर जाता है तो। अगर सस्टेन नहीं करता, क्लोजिंग बेसिस पे देखना है इसको, अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर जो है इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मींस इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए या इसको बाय नहीं करना चाहिए। और अगर सस्टेन कर जाता है तो इमीडिएटली इस अपॉर्चुनिटी को हंट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत क्विकली रिवर्ट हो सकता है। और अगर हम इसका चैनल बनाएं जो कि चैनल के अंदर ये चल रहा था, तो लेट्स मेक द चैनल फर्स्ट। तो यहाँ से अगर मैं इसका चैनल ड्रॉ करूं तो इसका हाई था जहां से मैं पीक कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट की अटेम्प्ट दी थी बट वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट निकला और ये वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स ब्रेकआउट था, बट इसका एक्चुअल ब्रेकआउट जो आया वो इस एरिया में आया जो कि हमने देखा कि उसके बाद इसने जो वो रैली अपनी काफी अच्छी स्टार्ट करी। तो ये वाला जो एरिया का ब्रेकआउट है दैट दैट कैन दैट कॉल्ड एज ट्रू ब्रेकआउट, और ये वाला था फॉल्स था। ठीक है, तो ये एक रैली कंसोलिडेशन फेज के बाद उसने अपनी अपवर्ड रैली स्टार्ट किया। अगर ये नीचे आता है इस एरिया को 85 को तोड़ के, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो लेवल होगा वो तकरीबन ये वाला एरिया होगा जो 76 और 75 के अराउंड होगा, जहाँ पे ये नीचे की तरफ आ सकता है और वहां पे इसके अंदर जो है बाइंग की जा सकती है दोबारा से, और उस टाइम तक इसके जो इंडिकेटर्स है वो भी कूल डाउन हो चुके होंगे। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये RSI भी नीचे की तरफ है और करंटली ओवरबॉट उसके अंदर है, दैट मीन्स कि टेक्निकली करेक्शन ड्यू है जिससे नीचे आ सकता है। दूसरी चीज, SMI इंडिकेटर भी इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट दे रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर जो है वो डिक्लाइन आ सकता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि ये टर्निंग पॉइंट जो है यहाँ पे शो कर रहा है। सो दिस इज द व्यू ऑन पाइनियर सीमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द FCCL।
कुछ लोगों की हमेशा से शिकायत रही है कि मैं FCCL को इग्नोर कर देता हूँ। जब भी मैं सीमेंट सेक्टर की एनालिसिस करता हूँ तो FCCL को मैंने अभी पहले टाइम पे रखा है। सो FCCL में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग एग्जिस्ट करती है इस एरिया में। मीन्स कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला, यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अगर यहाँ पे सेलिंग ये इसी एरिया में रहता है और इसकी सेलिंग कम्प्लीटली जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, तो फिर इसके अंदर ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। अदरवाइज जो है इसमें ऊपर जाने के चांसेस जो नहीं बनेंगे, बल्कि ये वापस से नीचे की तरफ आएगा। और अगर नीचे आता है तो ये इस एरिया में आके जो है वो सपोर्ट ले रहा होगा, तकरीबन ये वाला एरिया। तो ये जो एरिया बनेगा इसका, ये इसका सपोर्टिव एरिया बनेगा जहाँ पे ये वापस नीचे आके सपोर्ट ले सकता है और रीबाउंड कर सकता है, पॉसिबल रीबाउंड। और ये एरिया जो है तकरीबन 19 रुपए से लेके 20 रुपए के बीच में है, कि यहाँ पे इसके अंदर एक्यूमुलेशन जो है वो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन की जा सकती है, जिस तरह से अगर ये नीचे आता है तो। लेकिन इस एरिया में ही एक्यूमुलेशन होगी, इससे ज्यादा नीचे पे नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसके ट्रेंड लाइन भी चेक कर लें, दो ट्रेंड लाइन बनाए हम, एक तो यहाँ से जो कि इसका मोस्ट रीसेंट लो था उससे अगर हम देखें, तो ये वाला एरिया बनता है जहाँ पे इसने, जहाँ पे इसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बन रही है 19 रुपए का। और दूसरी अगर ट्रेंड लाइन हम बनाए यहाँ पे, जो कि इसकी स्टीप रैली रही है उसको लेते हुए, तो ये वाला एरिया जो है इसका सपोर्ट एरिया जो है वो नजर आ रहा है। इसका मतलब है अगर नीचे आता है तो 20 रुपए 45 पैसे, 20 रुपए 50 पैसे के आसपास जो है ये इमीडिएट सपोर्ट ले सकता है अगर रुका तो। और अगर ये इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे नहीं ली, तो फिर डेफिनेटली ये नीचे की तरफ 19 से 20 रुपए के एरिया तक जो है वो आराम से चला जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है इसके ऊपर कि ये कहाँ पे किस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। दूसरी चीज ये कि RSI जो है वो डाउन ट्रेंडिंग के ऊपर है, तो दैट मीन इंडिकेशन मोमेंटम जो है वो नेगेटिव मोमेंटम ही है, वो पॉजिटिव मोमेंटम अभी नहीं है। प्राइसेस अपसर्ज हो रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट जो एक प्राइसेस के अंदर जो एक रिदम है, जो एक स्ट्रांगनेस है, वो इतनी ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। तो अभी लास्ट कुछ अगर डेज में देखें तो हमने हमने देखा है कि इसके अंदर करेक्शन भी आई है, कि ये तकरीबन अपना हाई 22 का बना के जो नीचे की तरफ आया, और लास्ट क्लोजिंग जो उसने दिए वो 21.34 के एरिया पे दिए। और ऑल्दो के ये सिर्फ 13 पैसे डाउन था, बट स्टिल ये जो है इसका अपसाइड, ये कह लें आप ये वाला एरिया, ये कंसीडर होगा कि इसका काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है ये वाला, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट बन सकता है। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी रीजन क्या है, ये मैं आपको जस्ट बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि इंडेक्स ने एक बार ये टच किया 21.75, फिर अगेन इस एरिया पे टच किया 21.69, फिर उसके बाद यहाँ पे भी इसने अपना हाई बनाया 21.84, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एकदम से जो है वो करेक्शन ली डाउन साइड पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी इसने करेक्शन ली है नीचे की तरफ, कैंडल बनाई, जो कि कंफर्म कर रही है कि और सेलिंग प्रेशर जो है वो आ सकता है। सो इस वजह से ये वाला जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया जो है कंसिडर किया जाएगा। खैर मूव करते हैं MLCF के ऊपर और MLCF पे बात करते हैं। सो MLCF के अंदर भी अगर हम देखें तो लॉन्ग अपर जो है वो विक बनी है, और ये इंडिकेट कर रही है कि अपसाइड प्राइस रिजेक्शन जो है वो देखा गया है इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर। अगर हम बात करें MLCF की, तो MLCF ने भी अपनी क्लोजिंग जो है वो 20 पैसे डाउन के ऊपर दी है, जबकि हाई अपना जो है वो 36.99, ऑलमोस्ट 37 का हाई बना के जो है वो 35.90 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग हाई लेवल पे हुई है लास्ट फ्राइडे के ऊपर। अब नेक्स्ट वीक के अंदर जो नजर रखनी है, वो नजर ये रखनी है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेम्पररी प्रॉफिट टेकिंग थी, या वाकई ही इसके अंदर जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक डाउन ट्रेंड तो स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के लिए इसको ये वाला एरिया 30 का एरिया जो है वो तोड़ना पड़ेगा। तो करेक्शन, मोस्ट प्रॉब्ली करेक्शन जो है वो आ सकती है इसके अंदर। इसको ग्रीन कर देते हैं। सो ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन के लिए बनेगा। और अगर अभी करंट फेज में इसकी सपोर्ट देखें तो वो नजर आ रही है हमें यहां से, इस वाले एरिया से, ये वाली। तो इसका मतलब है कि अगर ये नीचे आता भी है तो तकरीबन 34.47 और 34.50 के एरिया के ऊपर अगर इसने सपोर्ट ले ली तो काफी अच्छा हो जाएगा। और अगर सपोर्ट नहीं ले पाया तो फिर इसको नीचे आने के लिए काफी
कम टाइम लगेगा, बिकॉज कि इसके अंदर अग्रेसिव सेलिंग जो है या शॉर्ट सेलिंग जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पे इसको नजर रखनी है, और अगर ये यहाँ से 34.50 और 34.30 ये वॉलिटिलिटी बेस्ड के ऊपर अगर ये सपोर्ट करके बाउंस बैक कर देता है, तो फिर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोबारा से हंट करने के लिए। क्योंकि जिस तरह से सीमेंट सेक्टर के अंदर और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो मोमेंटम चल रहा है, तो उससे तो यही कि डिप के ऊपर फटाफट से बाय कर लिया जाए, ताकि जो है आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को जो है वो मिस ना करें। खैर आगे चलते हैं, और आगे चल के हम बात करते हैं पावर सीमेंट की। पावर सीमेंट के ऊपर भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो डाली थी, और उस एक्सक्लूसिव वीडियो के बाद से पावर सीमेंट के अंदर काफी ज्यादा अच्छी मूवमेंट जो है वो देखी गई है। सो यहाँ पे हम फिर उस चीज को हाईलाइट करेंगे अब ऑनगोइंग लेवल को, कि पावर सीमेंट ने बहुत ही एब्रप्ट मूव दिया था, बहुत ही ऑल ऑफ सडन मूव दिया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आफ्टर ब्रेकिंग दिस एरिया, ठीक है, पावर सीमेंट के अंदर काफी ज्यादा तेजी आई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस वाले से हम प्लान कर प्लॉट कर सकते हैं ये एरिया, जब पावर सीमेंट ने ये वाले एरिया को ब्रेक किया था, इस पर्टिकुलर रीजन को, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी ज्यादा सेलिंग थी इस एरिया में, और जब इस एरिया को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो गैप ऑफ ओपनिंग थी इनकंसिस्टेंटली ऊपर गया, यहाँ पे आके पावर सीमेंट का जोर जो है वो टूट गया, और हमने यहाँ पे सेलिंग जो है वो देखी, काफी ह्यूज सेलिंग देखी इस एरिया में, ठीक है, आप ये देख सकते हो। अब इसको अगर वापस से रैली बनानी है, इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना, मतलब अभी फिल वक्त के लिए काफी अच्छा होगा, और उसके साथ अगर ये अपने इस हाई को ब्रेक करता है जो कि इसने बनाया था 10.64 का, तो फिर इसके अंदर दोबारा से री एंटर हुआ जा सकता है। लेकिन इसको अगर ये कंसोलिडेशन करता है यहाँ पे, तो कंसोलिडेशन के बाद इसके अंदर अपसाइड रैली काफी अच्छी बन सकती है, और फ्यूचर के अंदर जो है पावर सीमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना के जिनके पास है वो प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पे हो जाएं और वेट एंड वॉच करें, और फिर उसके बाद जो है वो रीबाय कर सकते हैं। चिराट सीमेंट के ऊपर आते हैं, चिराट सीमेंट को डिस्कस करते हैं। तो चिराट सीमेंट में भी अगर देखा जाए, तो चिराट सीमेंट ने अपना हाई जो है वो फॉर्म किया है तकरीबन 140.01 पे, तो 140 रुपए का हाई जो है वो न्यू हाई अपना बना चुका है अभी रीसेंट टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम देखें अपने रीसेंट लो से, जो कि इसने यहाँ पे तकरीबन कोई अगस्त 2019 के एरिया में बनाया था, ठीक है, इस वाले फेज के अंदर इसने अपना रीसेंट लो बनाया था, तो उस लो को की बेसिस के ऊपर इसने अपना न्यू हाई जो है वो बना दिया है 140 का, और ये काफी तेजी से चलना स्टार्ट हुआ है। आप अगर देखें तो ये 24 रुपए के आसपास आ चुका था, 24 रुपए के बाद से इसने काफी अच्छी रैली जो है वो फॉर्म की है। सो यहाँ पे अब इसकी पोजीशन क्या बनती है, तो वो भी देख लेते हैं। तो अगेन जैसे कि इसने यहाँ पे कंफर्मेशन दी है कि इस कैंडल के बाद इसने यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई है और रेड कैंडल बनाई, जो कि इंडिकेट करी कि डाउन ट्रेंड जो है वो लाइकली कंटिन्यू, और इसका जो एक लेवल बनता है वो क्या बनेगा हिस्टोरिकली, अगर हमें कोई सपोर्ट मिलती है तो वो भी देख लेते हैं। सो ये वाला एरिया यहाँ पे आसपास जो है वो ये वाले एरिया नजर आ रहे हैं, 129 का एरिया, ठीक है, 129 से 126 और 125 का एरिया नजर आ रहा है, जहाँ पे ये मोस्ट प्रॉब्ली सपोर्ट ले सकता है। अगर सपोर्ट लेता है तो इट्स गुड, अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो अल्टीमेटली ये डिक्लाइन करेगा तकरीबन 121-120 के एरिया के ऊपर, जो कि इसका यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये हाई लेवल इसने बना था। तो ये वाला एरिया जो मोस्ट प्रॉब्ली इसका सपोर्ट एरिया बन जाएगा अगर ये नीचे डिक्लाइन करता है, तो इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए अभी। सो आई होप सो कि यू लाइक दिस एंटायर वीडियो ऑन सीमेंट सेक्टर। सो इफ यू लाइक सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।